हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट इंजीनियर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेट स्पेस सर्च। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेट क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाया स्टेट। और स्टेट स्पेस क्या है, तो स्टेट स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल स्टेट। लेट्स से ग्राफ है, तो ग्राफ क्या कंटेन करता है, ग्राफ कंटेन करता है वर्टाइसेस एंड एजेस जो उन वर्टाइसेस को कनेक्ट करता है। वैसे ही स्टेट स्पेस कंटेन करता है स्टेट एंड एक्शन। अब हम स्टेट स्पेस में प्रॉब्लम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट से, इट मींस कि जहां से हम स्टार्ट करेंगे। देन आएगी हमारी गोल स्टेट, मतलब कि जहां तक हमने जाना है, और वी कैन से फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के बीच में जो प्रोसीजर है और वी कैन से जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रूल्स। तो प्रॉब्लम डिफाइन करते टाइम सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेट डिफाइन करना होगा, गोल स्टेट मतलब कि जहां तक हमें जाना है, एंड इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक मूव करने के बीच में जो रूल्स हमने फॉलो करने हैं वो डिफाइन करने होंगे। एग्जांपल प्लेइंग चेस। अब चेस उसमें हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनिशियल स्टेट बताना पड़ेगा। इट मींस के 8x8 स्क्वायर जिसमें हमने सारे सेटअप करके रखा होगा, फिर क्या बताना होगा, गोल स्टेट। तो अब इसमें हमारा गोल स्टेट क्या है, तो अपोनेंट के किंग पर अटैक करना, वो हमारा गोल स्टेट है। अभी इनिशियल स्टेट तो आ गया, गोल स्टेट भी आ गया, अब रूल्स क्या है, तो रूल्स में हमें डिफाइन करने पड़ेंगे वो सारे रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते व्हाइल प्लेइंग द चेस। जैसे कि रूक है जिसे हम हिंदी में हाथी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कितने भी स्टेप्स ले सकता है, लेकिन वो आइदर फॉरवर्ड जा सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, या तो लेफ्ट और राइट जा सकता है। तो वैसे ही हमने चेस में डिफाइन कर दिया इनिशियल स्टेट हमारा, गोल स्टेट एंड सेट ऑफ रूल्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वाटर जग प्रॉब्लम का। अभी यहाँ पर हमारे पास दो जग है, एक जग है जिसका कैपेसिटी है 4 gallons ऑफ वाटर, दूसरा जग है जो कंटेन कर सकता है 3 gallons ऑफ वाटर। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो बड़ा जग है, इट मींस कि जिसकी कैपेसिटी 4 gallons ऑफ वाटर है, उसमें 2 gallon वाटर चाहिए। अब पता कैसे चलेगा, जग पर तो कोई मार्किंग्स है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली 2 gallons ऑफ वाटर है कि नहीं, राइट right? तो जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट आएगा, गोल स्टेट आएगा, और बीच में रूल्स आएंगे जिससे हम बढ़ेंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। अभी यहाँ पर हमारा स्टार्ट स्टेट और वी कैन से इनिशियल स्टेट क्या है, तो हमारे दोनों ही जग एम्प्टी है। अब हमारा गोल स्टेट क्या है, तो गोल स्टेट ये है कि जो 4 gallon जग है उसमें हमें एग्जैक्टली 2 gallon ऑफ वाटर चाहिए। और हाँ, यहाँ पर दोनों ही जग में, किसी भी जग में मार्किंग नहीं है। अभी स्टार्ट स्टेट तो पता चल गया कि दोनों ही जग एम्प्टी है, फाइनल स्टेट भी पता चल गया कि 4 gallon जग में हमें 2 gallon ऑफ वाटर चाहिए। अभी रूल्स क्या है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने तक का, तो फर्स्ट रूल ये है कि हम जग को फील कर सकते हैं फ्रॉम द टैप, ठीक है। फिर दूसरा रूल ये है कि जग में जितना भी पानी है उसको हम पोर कर सकते हैं आउट ऑफ द जग टू द ग्राउंड। फिर तीसरा रूल ये है कि हम वाटर को पोर कर सकते हैं फ्रॉम वन जग टू अनदर जग। और फोर्थ ये कि हमारे पास कोई मेजरिंग डिवाइस भी नहीं है, मार्किंग्स भी नहीं है जग पे, और ना ही कोई मेजरिंग डिवाइस है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स है, ठीक है, सोल्यूशन बाद में आएगा, अभी जो पॉसिबल स्टेट्स है, ठीक है, वो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉसिबल चीजें क्या है, तो फर्स्ट वन इज कि हम 4 gallon जग को पूरा भर सकते हैं, फिल द 4 gallon जग। फिर दूसरी क्या है रूल, तो फिल द 3 gallon जग। थर्ड वन इज पोर सम वॉटर आउट ऑफ द 4 gallon जग, इट मीन्स कि 4 gallon जग में जो भी पानी है उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकाल दे। फोर्थ रूल इज कि पोर सम वॉटर आउट ऑफ द 3 gallon जग, 3 gallon जग में से थोड़ा पानी बाहर निकाल दे। फिफ्थ रूल इज कि हम 4 gallon जग को एम्प्टी कर दे। सिक्स रूल इज कि 3 gallon जग को हम एम्प्टी कर दे। सेवन्थ रूल इज कि 3 gallon जग में जो भी पानी है उसको हम 4 gallon जग में डाल दे, तब तक जब तक 4 gallon जग पूरा फुल नहीं हो जाता। फिर एथ रूल क्या है कि 4 gallon जग में जितना भी पानी है उसको हम डाल दे 3 gallon जग में, तब तक जब तक 3 gallon जग पूरा नहीं भर जाता। फिर नाइन्थ रूल क्या है कि 3 gallon जग में जितना भी पानी है वो सारा हम पोर कर दे 4 gallon जग में। फिर टेंथ क्या है कि पोर ऑल द वाटर फ्रॉम 4 gallon जग इनटू द 3 gallon जग, इट मींस के 4 gallon जग में जितना भी वाटर है उसको हम पोर कर दे इनटू द 3 gallon जग। 11th रूल इज के पोर 2 gallon जग फ्रॉम 3 gallon जग इनटू द 4 gallon जग, इट मींस के 2 gallon वाटर
हमें 3 गैलन जग में से 4 गैलन में डालना है, और वही 12th रूल में है कि एम्प्टी द 2 गैलन इन द 4 गैलन जग ऑन द ग्राउंड। अभी यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट लेंगे। इनिशियल स्टेट में क्या था कि हमारे दोनों ही जग्स एम्प्टी है, तो सी यहाँ पर 0 है, इट मीन्स 4 गैलन जग एम्प्टी है। फिर यहाँ पर 3 है, इट मीन्स 3 यहाँ पर 0 है, इट मीन्स 3 गैलन जग एम्प्टी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अभी रूल नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि फिल द 3 गैलन जग। पहले तो दोनों 0 ही है, अभी हमने रूल नंबर 2 अप्लाई जो बोल रहा है कि 3 गैलन जग है उसको फिल कर दो। तो यहाँ पर हमने 3 गैलन जग को फिल कर दिया है। अभी हम अप्लाई करेंगे 9th रूल। अभी 9th रूल क्या कहता है कि पोर ऑल द वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग। तो यहाँ पर जो भी 3 गैलन जग जो पूरी भरी हुई थी उसमें से सारा पानी हमने डाल दिया 4 गैलन जग में, इट मींस कि अब 3 गैलन जग में कोई पानी नहीं है। अब अगेन हम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे जो कहता है कि 3 गैलन जग को पूरा भर दो। ठीक है, तो देखिए आगे हमने 3 गैलन में से 4 गैलन में डाला था, इसीलिए 3 गैलन ऑफ वाटर 4 गैलन जग में है। अभी हमने 3 गैलन वाला जो जग था वो पूरा फिल कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पोर वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग अंटिल द 4 गैलन जग इज फुल। इट मींस के 3 गैलन जग में जितना पानी है उसको 4 गैलन जग में डाल दो तब तक जब तक 4 गैलन जग फुल नहीं होता। तो अभी हमारे पास 4 गैलन जग में भी 3 गैलन वाटर है और 3 गैलन जग में भी 3 गैलन वाटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 गैलन जग में से वाटर पोर करेंगे 4 गैलन जग में। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि जो भी 4 गैलन वाला जग है उसको पूरा एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो हमने उसको पूरा खाली कर दिया और 3 गैलन जग में अभी हमारे पास 2 गैलन ऑफ वाटर बचा हुआ है। अब हमारा 9th रूल अप्लाई करेंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि पोर ऑल द वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग, पोर कर दो सारा पानी जो भी 3 गैलन जग में है उसको 4 गैलन जग में। तो सी हमें हमारी गोल स्टेट मिल गई, फाइनल स्टेट मिल गई, और हमारी फाइनल स्टेट क्या थी कि 4 गैलन जग में एग्जैक्टली 2 गैलन ऑफ वाटर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।